नमस्कार मित्रों, विद्यार्थियों, आज हम जो साइंस की जो मॉक टेस्ट चल रही है वो अपना मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट करेंगे। परिष्कार के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप इस चैनल को परिष्कार जो क्लास है सरदार सर है इसका जो यूट्यूब का चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, तभी क्या होगा हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम रोज़ाना जो आपके लिए ये जो मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं इनमें जो क्वेश्चन है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो मॉक टेस्ट है साइंस का ये देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है विज्ञान का, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? जीवाणु, जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग, तो देखिए हमने कल रोग देखे थे तपेदिक, पीलिया, चेचक, मम्स। तो बैक्टीरिया के कारण देखिए ये जो पीलिया है ये वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से होता है। चेचक है, चेचक रोग भी किसके कारण से होता है? वायरस से होता है। और जो मम्स है ये भी किससे होता है? वायरस से होता है। तो ये जो तीनों रोग है, पीलिया, चेचक और मम्स, ये तीनों रोग है वो विषाणु या वायरस से होते हैं। तो इसमें जो बैक्टीरिया जनित रोग है वो एक बचा है, कौन सा? तपेदिक। ठीक है, तो तपेदिक रोग किसके कारण से होता है? बैक्टीरिया के कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, बीसीजी का टीका, बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? बीसीजी, बेसिलस, बेसिलस केलेमिटी। टी फोर क्या हो जाएगा? केलेमिटी, केलेमिटी, और जी फोर हो जाएगा गुरीन। तो बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है? बेसिलस केलेमिटी गुरीन। ये जो टीका है वो जो लगाया जाता है ये नवजात बच्चे को लगाया जाता है। इसको लगाया जाता है नवजात बच्चे को लगाया जाता है। ये ट्रिपल डोज है। क्या है? ट्रिपल डोज है जो बच्चे को जन्म के समय दी जाती है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फल है? देखिए फल, फल की बात करें तो फल क्या होता है? फल होता है परिपक्व अंडाशय, परिपक्व अंडाशय। अर्थात हम कह सकते हैं कि फल का जो परिवर्धन होता है या फल का जो निर्माण होता है वह अंडाशय से होता है। जैसे हम देखेंगे ये एक जो पुष्प होता है, पुष्प के अंदर जो मादा भाग होता है, मादा भाग में तीन भाग होते हैं, जो नीचे का जो ये फूला हुआ भाग है ये अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडाशय। ऊपर का भाग है ये वर्तिकाग्र कहलाता है, वर्तिकाग्र। ये लंबा नली का भाग है ये वर्तिका कहलाता है। तो इस अंडाशय के अंदर होते हैं बीजांड। क्या होते हैं? बीजांड। तो ये जो बीजांड होते हैं, बीजांड से तो बीज बनते हैं। क्या बनते हैं? बीज। तो जब देखिए इसमें अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वास्तविक फल है या फल है? तो हम देखते हैं जो आलू है, आलू का जो निर्माण होता है वो तने से होता है। इससे तना, जब तने के अंदर क्या हो जाता है? रूपांतरण हो जाता है। तो रूपांतरण के फलस्वरूप यह भूमिगत भाग में भोजन इकट्ठा करके और फूल जाता है और कंद का रूप ग्रहण कर लेता है। इसका कंद का, ठीक है। इसी प्रकार जो मूली होती है, मूली, मूली में क्या होता है? जो जड़ होती है वह जड़ भाग क्या करती है? भोजन इकट्ठा करके फूल जाती है। और जो शकरकंद है यह भी क्या होता है? जो जड़ है वो भोजन इकट्ठा करके फूल जाती है। रही बात सी ऑप्शन की, भिंडी की, तो वास्तव में जो फल है वो भिंडी है। कई बार ये भी प्रश्न आ जाता है, निम्न में से कौन सा वास्तविक फल है? वास्तविक फल, तो एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि जब अंडाशय से जो फल बनता है वही वास्तविक फल होता है। जिस प्रकार हम देखते हैं सेव, सेव एक कूट फल है, कूट या आभासी फल है, क्योंकि जो सेव का निर्माण है वह अंडाशय से न होकर के पुष्पासन से होता है। पुष्प के, तो अपन कहेंगे अंडाशय के अतिरिक्त अगर पुष्प के किसी भी भाग से
फल का जो निर्माण हो रहा है तो उसे अपन वास्तविक फल न कह करके क्या कहेंगे, आभासी फल कहेंगे। लेकिन यहाँ पर तो आलू है वो तो तना है, मूली है वो जड़ है, और जो शकरकंद है ये भी क्या है, जड़ है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, भिंडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। निम्न में से परजीवी पौधों की पहचान कीजिए। परजीवी, परजीवी का मतलब क्या होता है, जो दूसरों के ऊपर जीवन यापन करते हैं, अर्थात इनमें खुद में प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता नहीं पाई जाती, ये भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो हम देखते हैं सूरजमुखी है, ये तो क्या है, अपना भोजन खुद बनाता है, ये तो स्वयंपोषी है। इसी प्रकार ब्लैडरवर्ट, ब्लैडरवर्ट और जो घटपर्णी, ब्लैडरवर्ट एक ऐसा पादप है जो एक जलीय पादप है, कैसा है, जलीय पादप है। इसके अंदर इसकी जो पत्तियां होती है वो क्या होती है, एक ब्लैडर का निर्माण करती है, जिसके कारण से इनमें हवा भर जाती है और ये पादप को जल में रखने के लिए अनुकूलित होता है। तो ये भी आपका परजीवी पादप नहीं है। अब तीसरा है अमरबेल, एक घटपर्णी पादप। घटपर्णी पादप होता है ये क्या है, एक कीट पादप है। अर्थात अपन देखते हैं कि जहां जमीन के अंदर या पादप में नाइट्रोजन की कमी होती है, वहां के जो पादप है वो क्या करते हैं, अपने नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए कीड़ों मकोड़ों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। तो इन पादपों में क्या होता है, इनकी पत्तियां होती है वो घड़े के आकार की होती है। जब इनके ऊपर कोई भी कीट आकर के बैठता है तो उनका ये भक्षण कर लेती है, जिससे पादप के नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है। तो यह भी परजीवी पादप नहीं है, क्योंकि यह तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया खुद करता है। रहा बात अमरबेल की, अमरबेल, अमरबेल क्या है, यहाँ पे कसकुटा बोलते हैं इसको, यह एक परजीवी पादप है। यह क्या करता है, अपनी जड़े होते हैं वो आसपास के पादपों के अंदर, इसकी जड़े है वो चली जाती है, चुस्कांग बोलते हैं जिनको, ठीक है। तो चुस्कांगों की सहायता से यह दूसरे पादपों की जड़ों से क्या करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अपना चार नंबर का अमरबेल, क्या हो जाएगा, अमरबेल। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का मतलब हमारे आसपास का जो वातावरण है वह क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। तो देखो एक ये वर्गीकी क्या होती है, वर्गीकी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें पादप के वर्गीकी वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन किया जाएगा, वर्गीकी का अध्ययन किया जाएगा। आकारिकी, मॉर्फोलॉजी, आकारिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पादपों के आकार का आदि का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। आकार की विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों के आकार संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकी विज्ञान की वह शाखा है, टैक्सोनॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादपों के वर्गीकरण से संबंधित होता है। और पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी के अंतर्गत क्या किया जाता है, हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, प्रकृति का जो पर्यावरण है उसका अध्ययन किया जाता है। तो हमारे पांचवें क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी हो जाएगा। अब देखिए भारत में भारतीय वन, ये सही शब्द क्या हो जाएगा, वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वह है देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है, देहरादून। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार कई एग्जाम में आ चुका है, तो आप परीक्षा की दृष्टि से इसको ध्यान रखना। तो वन सर्वेक्षण, ठीक है ना, इंडियन फॉरेस्ट रिजर्वेशन, ठीक है। तो इसका कार्यालय कहाँ है, आपका देहरादून में है। अब प्रश्न है आनुवांशिकी, अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, आनुवांशिकी या जेनेटिक्स। विज्ञान की वह शाखा जिसमें एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात हम देखते हैं कि हमारे अंदर जो लक्षण आते हैं वो हमारे माता पिता से आते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उनको तो आनुवांशिकता कहते हैं, आनुवांशिकता।
और विज्ञान की जो शाखा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों का जो अध्ययन करती है उसे अपन आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी के जो जनक है, आनुवांशिकी के जनक ये मेंडल है। तो मेंडल को आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है, ग्रिगोर जॉन मेंडल। आधुनिक आनुवांशिकी के जो आधुनिक जनक है, आधुनिक जनक कौन है, ये है बैटसन। बैटसन तो आधुनिक जनक हो जाएगी आनुवांशिकी के। और वैसे सीधा प्रश्न आता है कि आनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो मेंडल को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, मेंडल को। अब देखिए एफ एच सीक्रिक इन्होंने तो क्या दिया था, इन्होंने सेंट्रल डोगमा थ्योरी दी थी, गुणसूत्र का केंद्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, एच एफ सीक्रिक के द्वारा दिया गया था। इन्होंने बताया था कि डीएनए होता है उसे डीएनए बनता है, डीएनए का बनना डीएनए रेप्लिकेशन या पुनरावर्ती कहलाता है। डीएनए की रेप्लिकेशन बोल सकते हैं इसको, या डीएनए की पुनरावर्ती। फिर डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, इसे बोलते हैं अनुलेखन। अनुलेखन इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। क्या बनता है, प्रोटीन, इसे कहते हैं अनुवादन। अनुवादन यानी इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ये ट्रांस, अर्थात कभी कभी क्या होता है आरएनए से डीएनए भी बन जाता है, उसे अपन पुनः अनुलेखन या इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो एचआईवी वायरस होता है ना, एचआईवी वायरस वह क्या करता है, आरएनए से क्या बना लेता है, वापस डीएनए बना लेता है। ठीक है, तो ये एफ एच सीक्रिक के द्वारा जो गुणसूत्र का केंद्रीय सिद्धांत या सेंट्रल डोगमा थ्योरी दी गई थी, सेंट्रल डोगमा थ्योरी। तो गुणसूत्र का केंद्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, क्रिक के द्वारा दिया गया, जीजे मेंडल, जॉन ग्रिगोर मेंडल। इनको पता है आनुवांशिकी के जनक है। केरोलस लीनियस ने इन्हें वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहते हैं। वर्गीकरण विज्ञान का जनक, इन्होंने द्विजगत प्रणाली दी थी, द्विनाम पद्धति। इन्होंने क्या दी थी, द्विनाम पद्धति दी थी। यानी हम देखते हैं, हम किसी भी, जैसे कोई भी सजीव है, जैसे मानव है, तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमो सेपियंस है। क्या है, होमो सेपियंस। तो होमो हमारा वंश है, पहला नाम होता है वंश, और दूसरा नाम क्या होता है, जाति। इसी प्रकार हम देखते हैं, जैसे हमने देखा था कि कल मधुमक्खी पालन पड़ा था, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है एपिस। अब इसकी अलग अलग जातियां है, एपिस मेलिफेरा है, एपिस डोरसेटा है। इसी प्रकार हमारा जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रोसोपिस सिनेनेरिया। तो इस प्रकार अपन कहेंगे ये जो द्विनाम पद्धति है ये केरोलस लीनियस के द्वारा दी गई थी। ये जो बीरबल साहनी है ये महान भारतीय वैज्ञानिक है, जिन्होंने भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो हमारा जो आनुवांशिकी के जनक के रूप में जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा मेंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या समस्या होगी, हाँ तो ये हमने देखा था ना कि आनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, जीजे मेंडल का मतलब जॉन ग्रिगोर मेंडल को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा आठवां। जीन शब्द
किसके द्वारा बनाया गया, अर्थात जीन शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था या पुनर्गठित किया गया था। तो जीन किसे कहते हैं, जीन लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जो इकाई है, लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई इकाई को जीन कहते हैं। अब देखिए मानव शरीर के अंदर लगभग 70,000 से अधिक जीन पाए जाते हैं, 70,000 से अधिक प्रकार के जीन पाए जाते हैं। और जो जीन होते हैं ये गुण सूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं। जीन कहाँ पे स्थित होते हैं, जीन गुण सूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं। और जो जीन शब्द है, मेंडल ने जीन को फैक्टर कहा था, फैक्टर या कारक, किसने, मेंडल ने। तो हम कहते हैं कि मेंडल अभी आया था ना अनुवांशिकी जनक, तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्राणियों के अंदर जो लक्षणों को नियंत्रित करता है, जिस प्रकार मेंडल ने मटर के पादप पर प्रयोग किए थे और उन्होंने बताया कि मटर के अंदर जो लक्षण होते हैं वो कारकों के द्वारा या फैक्टर के द्वारा नियंत्रित होते हैं, उसी प्रकार हमारे अंदर भी जितने लक्षण पाए जाते हैं, जैसे हम देखते हैं हमारे आंखों की पुतली का रंग है, तो बालों की आकृति है, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो लक्षण है वो जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो जीन शब्द है वो जॉनसन के द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, जॉनसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कल मैंने आपको बताया था कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में जो मूलभूत अंतर होता है, वह अंतर होता है कि रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है, पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में क्या आता है, परिवर्तन आता है, उसके भौतिक जैसे आकार अवस्था रंग आदि में तो परिवर्तन आता ही है, इसके साथ साथ पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में भी परिवर्तन होता है। तो हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन देखिए, इसमें प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। तो हम देखते हैं कि ये कांच से बना हुआ एक उपकरण होता है जिसे प्रिज्म कहते हैं, तो इसमें से जब श्वेत प्रकाश गुजरेगा तो ये अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाएगा, तो इसमें इसके कोई रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये तो भौतिक परिवर्तन होगा। फिर दूसरा देखिए, सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना, और तीसरा छानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, यानी कहने का मतलब है मिट्टी को जब वापस गीली करोगे तो वापस क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, तो इस प्रकार ये भी भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना ये भी भौतिक परिवर्तन है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना ये भी भौतिक परिवर्तन है। हमारा क्वेश्चन क्या था, रासायनिक परिवर्तन, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सब्जियों को पकने पर उनका मुलायम होना। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि सब्जी जब पक जाती है तो सब्जी पकने के बाद में उसका अंदर का जो फल भित्ति होती है वो क्या होती है, मुलायम हो जाती है। तो जब मुलायम हो गई तो वो बाद में उसमें क्या होता है, उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन आ जाता है, अर्थात उसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्या हो जाएगा, बी, अर्थात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से रासायनिक क्रिया नहीं है, यानी रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो अभी उसके पीछे वाले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, कागज का जलना, कागज जब जल जाता है तो ये तो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का जलना, तो कोयले का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। फिर देखो, भोज्य पदार्थों का पचना, भोजन जब पच जाता है तो रासायनिक क्रिया के द्वारा ही पचता है, अर्थात एक रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन पानी का वाष्प में बदलना ये एक प्रकार का क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखते हैं, हम देखते हैं कि जो पानी होता है तो जब पानी को गर्म करते हैं तो यह वाष्प में बदल जाता है, किसमें बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। लेकिन जब वाष्प को पुनः अपन क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो ये किसमें बदल जाती है, पानी में। इसी प्रकार जब पानी को अपन क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो ये बर्फ बन जाती है, और बर्फ को जब वापस गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाती है, पानी बन जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पदार्थ में केवल अवस्था बदल रही है, क्या बदल रही है, अवस्था। पानी है वो द्रव अवस्था में है, गैस जो वाष्प है वो गैसीय अवस्था में है, केवल अवस्था में परिवर्तन हुआ है, उसके रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणधर्मों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
इस प्रकार जैसे कागज से जलना, कोयले का जलना, इन सब में तो एक नया पदार्थ बन रहा है, उसके रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन हो रहा है, भोज्य पदार्थ में भी जब भोजन का पाचन होता है तो नया रासायनिक पदार्थ बनता है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं ये तो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, अनुत्क्रमणीय, और ये पानी के वाष्प में बदलना ये एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, अर्थात भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका, तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। कल भी आया था कि भाई अपर रूप कहते किससे है, आपको बताया था अपर रूप किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ अपने भौतिक अवस्था में भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है लेकिन रासायनिक गुण धर्मों में क्या होता है, समान होता है, तो यह गुण क्या कहलाता है, उसका अपर रूप कहलाता है। ठीक है, कार्बन की दो अपर रूप है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, बताए थे आपको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय अपर रूप किसे कहते हैं, जिसमें कोई भी जो परमाणु, कोई भी जो तत्व है वह अपनी एक निश्चित ज्यामिति में पाया जाता है, उसकी एक निश्चित संरचना होती है, उसका एक निश्चित आकार होता है, उसके जो परमाणु होते हैं वो व्यवस्थित संरचना में पाए जाते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय अपर रूप वह अपर रूप होता है जिसमें कार्बन परमाणु कोई निश्चित ज्यामिति में नहीं होता, किसी निश्चित आकार में नहीं होता। तो क्रिस्टलीय अपर रूप में अपन देखते हैं हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन आते हैं, कौन आते हैं, फुलरिन। अक्रिस्टलीय में देखो एक तो कास्ट कोयला आ जाएगा, चारकोल आ जाएगा, कार्बन ब्लैक आ जाएगा, कोक आ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन ये जो बेंजीन है ये किसी में नहीं आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बन का अपर रूप नहीं है। बेंजीन होता है, इसका सूत्र होता है C6H6, तो ये कार्बन का कोई सा ही अपर रूप नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा C5H10, ये किसका सूत्र है, तो देखिए ये डबल है, इसमें कार्बन 5 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है, तो इसका मतलब यह एल्कीन है। क्या है, एल्कीन। तो हम देखते हैं जब कार्बन 1 होता है तब क्या होता है, मेथ, 2 होता है तब एथ, 3 होता है तो प्रोप, 4 होता है तब प्रोब्यूट, और 5 होता है तो पेन, 6 होता है तो हेक्स। तो मेन देखिए इसमें 5 है, कितने हैं कार्बन, 5, और इन है तो इन एल्कीन की श्रेणी का सूत्र है CnH2n, तो यहाँ पे 5 का n की वैल्यू कितनी है, 5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का मतलब ये ब्यूटेन है, क्या है, पेंटेन, इसका सूत्र है ये पेंटेन, तो यहाँ पे देखो पेंटेन, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पेंटेन। इसी प्रकार जो एल्केन श्रेणी होती है, एल्केन श्रेणी का सूत्र होता है CnH2n+2, एल्कीन श्रेणी होती है उसका सूत्र होता है CnH2n, और एल्काइन जो श्रेणी होती है इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है -2। तो देखिए, तो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलपीजी के घटक है, एलपीजी के घटक किसके रूप में जाने जाते हैं, देखिए एक क्वेश्चन देखिए, हाँ तो ये C5H10, तो एल्काइन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र है वो क्या हो जाएगा, CnH2n-2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम किसी भी प्रकार के जो कार्बनिक हाइड्रोकार्बन है उन हाइड्रोकार्बनों का सूत्र लिख सकते हैं। एल्केन श्रेणी में एकलबंध होता है, कार्बन कार्बन के में एकलबंध पाया जाता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड पाया जाता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। एल्कीन और एल्काइन में कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, कितने कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन होने चाहिए, और एल्केन श्रेणी में अगर 1 कार्बन होगा तो भी उसे काम चल
जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए एल्केन श्रेणी में जो पहला सदस्य होगा वो होगा मेथेन, मेथेन। और एल्कीन और एल्काइन में जो प्रथम सदस्य होगा वो एथीन या एथाइन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार अपन कहेंगे तो C5H10 का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, पेंटेन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी के घटक है, यानी एलपीजी का जो मुख्य घटक है, मुख्य घटक एलपीजी, एलपीजी का मतलब होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का पूरा नाम क्या है, द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसे घरेलू गैस भी कहते हैं या रसोई गैस भी कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग घर के अंदर, रसोई घर के अंदर खाना बनाने में किया जाता है। तो एलपीजी का जो मुख्य घटक है वो क्या होता है, ब्यूटेन होता है। अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था, लास्ट क्वेश्चन किया था, उसमें आया था भाई कि ये एल्केन श्रेणी का सदस्य है, तो इसलिए इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, ब्यूटेन का मतलब क्या होता है, कार्बन। प्रीवियस देखिए ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में कार्बन कितने होंगे, चार, कितने होंगे चार, तो C4H10, ब्यूटेन का सूत्र क्या हो जाएगा, C4H10, तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन C4H10। तो इसका एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, ब्यूटेन है। इसके साथ साथ एलपीजी गैस भारी होती है, अगर एलपीजी का जो रिसाव हो जाता है, रिसाव होने के कारण एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, दुर्घटना होने की संभावना रहती है, इसलिए इसके रिसाव को रोकने के लिए इसमें एक गंध युक्त पदार्थ थायोल या मरकैप्टन नामक पदार्थ मिलाया जाता है, जिसके कारण से इसमें एक विशिष्ट गंध होती है, ठीक है। और एलपीजी में ब्यूटेन के अतिरिक्त आइसो ब्यूटेन है, आइसोप्रोपेन है, अन्य हाइड्रोकार्बन भी पाए जाते हैं, लेकिन जो मुख्य घटक है वो ब्यूटेन होता है। और इसको एलपीजी का जो निर्माण है वो पेट्रोलियम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है हृदय पेसमेकर, हृदय के पेसमेकर बनाने में काम में आता है। हमारा जो हृदय होता है, मानव का जो हृदय होता है वो चतुर्कोष्ठकी होता है। मानव के हृदय में ये जो दायां आलिंद है, दायां आलिंद के ऊपरी कोने पर यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम है SAN, साइनो आर्टियल नोड, साइनो आर्टियल नोड। ये क्या करती है, हृदय में स्पंदन के लिए विद्युत आवेग उत्पन्न करती है, अर्थात विद्युत उत्पन्न करती है। यहां से ये आवेग यहाँ आते हैं जिसका नाम है AVN, और यहाँ से ये पुरकिंजे तंतुओं के द्वारा निलयों में पूरे हृदय में फैल जाता है, जिससे हृदय में विद्युत धड़कने के लिए विद्युत आवेग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्रियों का ये जो पेसमेकर है वो खराब हो जाता है या इसमें खराबी आ जाती है, इसलिए एक प्रकार का रेडियोधर्मी तत्व है वो पेसमेकर बनाने में काम में लिया जाता है, और वो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्लूटोनियम। तो प्लूटोनियम नामक रेडियो धर्मी तत्व से क्या बनता है, पेसमेकर बनता है, कृत्रिम पेसमेकर बनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक भारी जल के रूप में जाना जाता है। तो भारी जल, ये तो देखिए साधारण जल है, ये ट्राइटियम ऑक्साइड है, ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, ठीक है ना, और ये हाइड्रोनियम आयन है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं भारी जल के रूप में किसको जाना जाता है, D2O को। इस बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, क्या नाम है इसका, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो भारी जल का क्या सूत्र हो जाएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसका उपयोग है वो परमाणु संयंत्रों में किया जाता है। अब देखिए, निम्न में से किस उपकरण में पारे अर्थात मरकरी का उपयोग नहीं होता। पारा एक धातु है, पारा क्या है, एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो अपन कह सकते हैं द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है, पारा। तो अब देखिए, पारा है
उसका उपयोग है, क्योंकि यह पारा की विशेषता होती है कि पारा उष्मा पाकर फैलता है, इसलिए इसका भौतिक दृष्टि से या कई प्रकार के अपन कहेंगे कि भौतिक दृष्टि से या विज्ञान की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। इसलिए इसका जो उपयोग है वो बेरोमीटर में, पाइग्मोमैनोमीटर में और थर्मामीटर में, इन तीनों में किया जाता है। ये वायुमंडल का दाब नापता है, स्पाइग्मोमैनोमीटर है ये मनुष्य के रक्त दाब को नापता है, और थर्मामीटर है ये वायुमंडल के ताप को अर्थात मनुष्य के शरीर के तापमान को भी मापने में उपयोग में लिया जाता है। तो इन सब में किसका यूज किया जाता है, पारे का यूज किया जाता है, हाइग्रेनियम का यूज किया जाता है। लेकिन जो सोनोग्राफी है, सोनोग्राफी इसमें किसी भी प्रकार के पारे का उपयोग नहीं होता, ठीक है। सोनोग्राफी में एक विशेष प्रकार के क्रिस्टल होते हैं जिनको बोलते हैं लेड जिरकोनेट के क्रिस्टल, लेड जिरकोनेट के क्रिस्टल है, उनको काम में लिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोनोग्राफी, ठीक है, सोनोग्राफी, ठीक है, जिसके द्वारा हम शरीर के अंगों के आंतरिक चित्रों को या शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो बेरोमीटर हो गया जिसके द्वारा वायुमंडल का दाब नापते हैं, स्पाइग्मोमैनोमीटर जिसके द्वारा हम मनुष्य का क्या करते हैं, रक्त दाब नापते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्त दाब होता है वो कितना होता है, 120 से 80 mmHg, mmHg। पारे पर मनुष्य का शरीर का सामान्य ताप की दाब कितना हो जाएगा, रक्त दाब 120 से 80 mmHg। ये दो प्रकार का दाब है, ये है इसको बोलते हैं सिस्टोलिक दाब, सिस्टोलिक दाब, और ये है आपका डायस्टोलिक दाब। तो ये नीले संकुचन दाब है जो ज्यादा होता है, और ये नीले शिथिलन दाब है। अभी पीछे वाले देखा था ना, हमारे मनुष्य का जो हृदय होते हैं उसमें ऊपर आलिंद होते हैं, नीचे नीले होते हैं, ठीक है ना। तो जब नीले संकुचित होता है तो रक्त है वो बहुत तेजी से फेफड़ों की तरफ जाता है, और इस पाई नीले से रक्त है वो बहुत तेजी से शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है। तो इस समय रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों पर बहुत ज्यादा दाब लगाया जाता है, यह दाब लगभग कितना होता है, 100 mmHg के बराबर होता है। इसी प्रकार जब नीले वापस फैलता है तो यह दाब कम हो जाता है, 80 रह जाता है। तो 120 से 80 mmHg होता है जिसको पारे पर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है। हम जानते हैं कि सोना, सोने सोने की सबसे ज्यादा तन्यता होती है, सर्वाधिक तन्य धातु, सर्वाधिक तन्य धातु। तन्य किसे कहते हैं, जिनसे खींच खींच कर पतले तार बनाने का गुण होता है उसे तन्य बोलते हैं, तन्यता कहते हैं। और सोने के 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इसी प्रकार लोहा है, लोहा, लोहा भी क्या है, सर्वाधिक कठोर धातु नहीं है, लेकिन मनुष्य के द्वारा जो सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला तत्व है वो लोहा है। हमने पिछले जो मॉक टेस्ट आए थे कि मनुष्य के रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो लोहा पाया जाता है। लोहे की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो मनुष्य को एनीमिया रोग हो जाता है। इसी प्रकार प्लेटिनम, प्लेटिनम एक बहुत ही महंगी धातु है जिसका प्रतीक पीटी होता है, तो ये सर्वाधिक कठोर धातु है। और जो टंगस्टन है, टंगस्टन का प्रतीक ये भी ध्यान रखना, टंगस्टन का जो प्रतीक होता है वो W होता है, ये भी बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, टंगस्टन का प्रतीक क्या है, W होता है। इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, इसलिए जो बल्ब होते हैं, बल्ब का जो फिलामेंट बनाया जाता है वो टंगस्टन का बनाया जाता है, और टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है, W। प्लेटिनम का प्रतीक क्या होता है, PT। तो सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है, प्लेटिनम है। इसी प्रकार सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम, Li। सबसे भारी धातु कौन सी है, ओस्मियम, ओस्मियम, OS। सबसे मुलायम धातु सोडियम, सबसे मुलायम धातु कौन सी हो जाएगी, सोडियम। और सबसे कठोर धातु कौन सी हो जाएगी, प्लेटिनम। और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी हो जाएगी, पारा या मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आप देखिए जितने भी इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारी जो मॉक टेस्ट है या परिष्कार की ये क्लासेस सरदार सर के द्वारा जो ये मॉक टेस्ट चलाया जा रहा है, इसमें जो ये क्वेश्चन है सारे के सारे ये महत्वपूर्ण है।
ये कोई ना कोई परीक्षा से जुड़े हुए हैं, चाहे वो आरपीएससी की हो चाहे आरएसएसएमबी की हो, ठीक है ना, हर क्वेश्चन है वो अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर, यानी यह एक जर्मन सिल्वर है, यह एक मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। तो इस मिश्र धातु का जो उपयोग है, ये मिश्र धातु किससे बनाई जाती है? ये कॉपर के साथ जिंक मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? कॉपर के साथ जिंक मिलाकर के इसमें क्या मिला दिया जाता है? निकल मिला दिया जाता है। इससे क्या बनती है? जर्मन सिल्वर बनती है। इसका उपयोग मूर्ति बनाने में, आभूषण बनाने में और कई प्रकार के मशीनी पुर्जे बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, मिश्र धातु एवं संगठन का विलान कीजिए। तो देखिए हमारा जो कांसा है, सबसे पहले बनाई गई जो मिश्र धातु है वो कांसा है। कांसा है वो कॉपर प्लस टीन यू प्लस एस एन से मिलकर बनता है। तो देखिए इसका सही, पहले में देखो क्या हो जाएगा, कांसा किससे मतलब तांबा और टीन से, तांबा और टीन से। फिर देखिए पीतल, पीतल किससे मिलकर बनता है? तांबे और जस्ते से, तांबे और जस्ते से। फिर जर्मन सिल्वर भी आया था, देखिए तांबा जस्ता और निकल से मिलकर बनता है। और जो डी है बचा कौन सा, मुद्रण टाइप, ये किससे मिलकर बनेगा? किसका, एंटीमनी और टीन से मिलकर बनता है। तो देखिए ए में, ए में क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चार, चार, तो ये हो जाएगा चार तीन दो और एक, तो इसका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हमें वास्तविक सूर्य जैसे कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ये क्षितिज है, यहाँ पर जो सूर्य होता है तो सूर्य उगने से पहले ही या छिपने के बाद भी हमें कुछ क्षणों के लिए या कुछ मिनट के लिए दिखाई देता है, इसका कारण क्या होता है? प्रकाश आधारित एक घटना है जिसका नाम है अपवर्तन। अपवर्तन की घटना के कारण सूर्य उगने के दो मिनट पहले हमें दिखाई देने लगता है तथा छिपने के दो मिनट बाद तक भी हमें दिखाई देता है। तो यह कौन सी घटना के कारण है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में रखी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, आग के दूसरी ओर वस्तु का हिलते हुए नजर आना, ये सारे के सारे प्रकाश के आधारित कौन सी घटना है? अपवर्तन है, जिसके कारण दिन की लंबाई, अपवर्तन के कारण दिन की लंबाई है वो चार मिनट बढ़ जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य की रोशनी कितने रंगों से मिलकर बनती है? हमने देखा था जब सूर्य के प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये सात अलग अलग रंगों में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में? सात अलग अलग रंगों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सात। तो सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? सात अलग अलग रंगों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के यहाँ पे वर्ण है, वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। वर्ण विक्षेपण का हम देखते हैं कि प्रकाश, सूर्य का प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सात अलग अलग रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है, ठीक है ना। तो देखिए ये देखिए, मृग मरीचिका का बनना, मृग मरीचिका बनती है ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनती है। ये ऑप्शन सही नहीं है। हीरे का चमकना, हीरा भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से चमकता है। और जो प्रकाश ये तंतु है, ऑप्टिकल फाइबर, ये भी क्या है? प्रकाश ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का सात अलग अलग रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है? इससे जो सात रंगों का जो ये क्रम प्राप्त होगा, इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, ये 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? अर्थात प्रकाश का जो रंग है यह कोणांक यानी आयाम से संबंधित है, आवृत्ति से संबंधित है, गुणवत्ता से संबंधित है या वेग से संबंधित है? तो हमारा ये जो आंसर हो जाएगा इसका सही, कि प्रकाश का जो रंग है ये आवृत्ति से संबंधित होता है। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? कि इकाई समय में कोई भी वस्तु है
इकाई समय में होने वाले कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। आवर्ती का जो मात्रक होता है ये हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज या किलो हर्ट्ज, इसको एच जेड से दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग है वो सबसे अधिक विचलित होता है? तो हमने देखा था पहले भी, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सात अलग अलग रंगों में क्या होता है? विभक्त होता है। तो लाल रंग का सबसे कम क्या होता है? विचलन होता है, और बैंगनी रंग का सर्वाधिक विचलन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो बैंगनी, बैंगनी कलर का है वो सबसे अधिक विचलन देखने को मिलता है। अब देखिए, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो हम जानते हैं कि प्रकाश की जो चाल है वो लगभग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड है। इस वेग से सूर्य का प्रकाश या कोई भी प्रकाश है वो गति करता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो इसको सूर्य से चलकर आने वाले प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 14 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए ये सारे क्वेश्चन है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप ज्यादा से ज्यादा परिष्कार क्लासेस जो सरदार सर है इसके यूट्यूब को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।